राष्ट्रीय लोकदल ने लोकसभा क्षेत्र बागपत से राजकुमार सांगवान और बिजनौर से चंदन चौहान को प्रत्याशी बनाया है। विधान परिषद के लिए योगेश चौधरी के नाम पर मुहर लगाई है। इन प्रत्याशियों के जरिए रालोद ने ओबीसी कार्ड खेला है। सांगवान और योगेश जहां जाट बिरादरी के हैं, तो चंदन गुर्जर है। समाजवादी पार्टी से अलग होकर एनडीए में शामिल राष्ट्रीय लोकदल को लोकसभा की 2 सीटें मिली हैं। पार्टी ने बुधवार को बिजनौर से चंदन चौहान को और बागपत से राजकुमार सांगवान को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। करीब 53 साल बाद चौधरी चरण सिंह परिवार का कोई भी सदस्य लोकसभा चुनाव में नहीं है। बागपत लोकसभा क्षेत्र की पहचान चौधरी परिवार की परंपरागत सीट के रूप में होती रही है। यहां पहली बार 1977 में चौधरी चरण सिंह विजय हुए। इसके बाद से लगातार इस सीट पर चौधरी परिवार ही उम्मीदवार बनता रहा है। ऐसे में रालोद ने सांगवान को उम्मीदवार बनाकर बिरादरी में अलग संदेश दिया है, क्योंकि सांगवान लंबे समय से रालोद में शामिल है। अभी यहां से 2014 से लगातार सत्यपाल सिंह सांसद हैं। यहां की 5 विधानसभा क्षेत्रों में सिवालखास छपरौली में लोकदल को बढ़ोत, बागपत और मोदीनगर भाजपा के पास है। इसी तरह बिजनौर से बसपा के मलूक नागर सांसद हैं। यहां से रालोद ने गुर्जर बिरादरी के चंदन चौहान को मैदान में उतारा है। यह सीट 2004 और 2009 में रालोद के पास थी। यहां की 5 विधानसभा क्षेत्रों में चंदन मीरापुर से खुद विधायक है। पुरकाजी भी रालोद के पास है, जबकि बिजनौर व हस्तिनापुर भाजपा के पास और चांदपुर सपा के पास है। चंदन के पिता संजय चौहान 2009 से 14 तक विधायक रहे हैं। यह सीट दलित और मुस्लिम बहुल है, लेकिन गुर्जर सैनी मतदाता भी हैं। लोकसभा की 2 और विधान परिषद की 1 सीट पर पिछड़ी जाति को उतार कर रालोद ने अपनी जमीन फिर से उपजाऊ बनाने की रणनीति अपनाई है। खास बात यह है कि चौधरी परिवार की परंपरागत सीट बागपत पर पहली बार परिवार का कोई सदस्य नहीं उतर रहा है। इतना जरूर है कि इस सीट पर राजकुमार सांगवान को उतार कर परिवार के प्रति वफादारी का इनाम दिया है। बताया जाता है कि करीब 53 साल बाद चौधरी चरण सिंह परिवार का कोई भी सदस्य लोकसभा चुनाव में नहीं है। बागपत लोकसभा क्षेत्र की पहचान चौधरी परिवार की परंपरागत सीट के रूप में होती रही है। यहां पहली बार 1977 में चौधरी चरण सिंह विजय हुए। इसके बाद से लगातार इस सीट पर चौधरी परिवार ही उम्मीदवार बनता रहा है। ऐसे में रालोद ने सांगवान को उम्मीदवार बनाकर बिरादरी में अलग संदेश दिया है। अभी यहां से 2014 से लगातार सत्यपाल सिंह सांसद हैं। इसी तरह बिजनौर से बसपा के मलूक नागर सांसद हैं। यहां से रालोद ने गुर्जर बिरादरी के चंदन चौहान को मैदान में उतारा है। यह सीट 2004 और 2009 में रालोद के पास थी, जबकि 2014 में भाजपा के भारती सिंह विजय रहे। चंदन के पिता संजय चौहान 2009 से 14 तक विधायक रहे हैं। यह सीट दलित और मुस्लिम बहुल है, लेकिन गुर्जर सैनी मतदाता भी हैं। रालोद के मीडिया सेल का गठन खनु। राष्ट्रीय लोकदल ने नए सिरे से मीडिया सेल का गठन किया है। राष्ट्रीय स्तर पर भूपेंद्र चौधरी को संयोजक एवं अली दुबे सहित 6 को प्रवक्ता बनाया गया है। इसी तरह प्रदेश स्तरीय सेल में सुनील रोटा को संयोजक एवं 10 लोगों को प्रवक्ता बनाया गया है। इसी तरह राजस्थान के लिए 2 प्रवक्ता बनाए गए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।